नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल वे में पापड़ बनाना। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी साबूदाना के पापड़, जो बहुत ही आसान हैं, लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार हो जाती है बनकर और बहुत ही कम टाइम लेता है। तो आप इसे बनाकर 2 दिन का अच्छा धूप लगाने के बाद साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, बहुत ही क्रिस्पी पापड़ बनके तैयार होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें। और मेरी चैनल को पहली बार अगर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फ़ैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए जल्दी से रेसिपी चेक कर लेते हैं, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो साबूदाना पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले एक कप, कोई भी एक कप ले लीजिए और उस कप से मेज़रमेंट करके आप एक कप साबूदाना ले लीजिए। साबूदाना को रात भर 2 कप पानी में भिंगा कर रख दीजिए। रात भर के बाद ये थोड़े फूल जाएंगे और पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, तो सुबह आप उसमें 4 कप और पानी ऐड करें। टोटल 6 कप पानी है। तो इसे ऐड करने के बाद हम इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि नीचे से ये लगे नहीं। साबूदाना धीरे धीरे आप देखेंगे कि बॉईल होने लगे हैं और धीरे धीरे 15 से 20 मिनट के बाद ये ट्रांसपेरेंट कलर के हो जाएंगे, तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं। आप देखेंगे जैसे ही इसमें बॉईल आने लगा है और अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो 5 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार। आप अगर चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर आपके पास मेरी ही तरह चिली फ्लेक्स नहीं अवेलेबल है तो आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड कीजिए, अदरवाइज़ कलर में थोड़ा चेंजेस होगा, तो थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करें। थोड़ी सी जीरा ऐड करें, नॉर्मल जीरा, और अच्छी तरीके से मिला लीजिए, चला लीजिए, ताकि इवेनली जो सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए साबूदाना के साथ। अब इसे कंटिन्यू हम मिलाते हुए पका लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जब ये गाढ़ा होने लगेगा और साबूदाना ट्रांसपेरेंट होने लगेंगे, जैसे वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह और ऐसी ही कंसिस्टेंसी पे, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद देखेंगे कि बिल्कुल ठंडा हो गया है बैटर, तो हम धूप में एक प्लास्टिक शीट को फैला देंगे और अच्छी तरह से उसके ऊपर एक एक चम्मच ये साबूदाना का बैटर डालकर इसे स्प्रेड करेंगे इवेनली से। और इसे सूखने के लिए 2 दिन लगते हैं, और दोनों तरफ पलटी करके आप इसे अच्छी तरीके से सुखा लीजिए। सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे, देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर के, देखा। अब इसे फ्राई करना बहुत ही आसान है, चलिए मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। आप इस तरीके से एक साफ कंटेनर में इसे स्टोर करके साल भर के लिए रख लीजिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना ही इसमें कोई फंगस लगेगा। तो तेल को मीडियम आँच पर अच्छे से गर्म कर लेने के बाद उसमें हम ऐड कर लेंगे ये पापड़। पापड़ को ऐड करके दोनों तरफ से हिलाते हुए अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लीजिए। और बस, देखा कितना जल्दी तैयार हो गए पापड़। मैं बाकी भी ऐसे फ्राई करके निकाल के रख लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी करारे पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को ट्राई करके अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा है, रेसिपी कैसी आपकी बनकर आई है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।